नमस्ते दोस्तों, नवजीवन टायर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखते होंगे। दोस्तों, ये जो डिस्क है ये 22.5 ट्रक का टायर का डिस्क है, तो इसमें हम पहले तो वॉल चढ़ा लेंगे। और ये ट्यूबलेस टायर है, आप देख सकते हैं इसको वॉल लगाना कितना आसान होता है। इसका जो वॉल आता है उसके साथ ही उसका चेकनट भी होता है, तो पहले तो हम उस चेकनट को निकाल के वॉल को अंदर ढकेलेंगे और फिर उस चेकनट को टाइट कर लेंगे। दोस्तों, इसे फुल टाइट करने के लिए हमें 14 का पाना लगेगा। इस पाने की मदद से हम इस नट को अच्छे से कस लेंगे। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं हम इस ट्यूबलेस टायर को कैसे फिट कर सकते हैं। आज भी कई सारी जगह पे लोगों को पता नहीं है ट्यूबलेस टायर को कैसे फिट करना है। दोस्तों, इसे फिट करने के लिए ट्यूबलेस टूल किट आता है, उसकी मदद लेंगे तो काफी आसानी से आप ट्यूबलेस टायर को बिठा सकते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने का मतलब मकसद सिर्फ एक ही है, जो टायर का बीडिंग होता है वो खराब नहीं होता। वरना हम अगर रेगुलर जो हमारे पास टूल्स होते हैं टायर खोलने के, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो बीडिंग होता है वो कुछ टाइम के बाद खराब हो जाता है। तो हमेशा टूल किट की इस्तेमाल जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी आसानी से हम लोग बिठा सकते हैं और इसका जो बीडिंग है टायर का वो भी खराब नहीं होता। उसको फिट करने से पहले हमें थोड़ा सा ऑयल या ग्रीस का इस्तेमाल करना चाहिए बीडिंग के ऊपर, ताकि वो आसानी से फिट हो जाए। आजकल ओमनी कंपनी भी टायर फिट करने के लिए उनका अपना एक ग्रीस बनाया हुआ है, वो मिल जाता है मार्केट में। अगर आप चाहे तो उसे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप रेगुलर ग्रीस जो होता है मार्केट में उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराना ऑयल जो होता है वो भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब ऑयल और ग्रीस क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसका भी जवाब दे देता हूँ। जो हमारा डिस्क होता है वो खराब हो जाता है पानी के मदद से। अगर हम वाटर बेस यूज करते हैं सॉल्यूशन, तो उससे ये डिस्क में गंज पकड़ जाता है, जंग पकड़ जाता है, तो वो ना हो इसके लिए हमें ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए या फिर ग्रीस इस्तेमाल करना चाहिए।
चलिए दोस्तों, कभी कभार क्या होता है, ये जो टायर होता है इसमें हवा भरने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो हमें ब्लास्टर का मदद लेना चाहिए। तो हमने तो हमारे कंपनी में जो कंप्रेसर है उसी को ब्लास्टर का ये कर दिया है। आप देख सकते हैं, हमने डायरेक्ट वो जो पाइप है वो कंप्रेसर से जोड़ के उसी को ब्लास्टर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने इस वीडियो को स्लो मोशन में किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। पहले तो हमें जो वाल होता है उस पे हवा डायरेक्ट करके लगाना चाहिए और फिर ब्लास्टर को ऑपरेट करना चाहिए, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आपने देखा कितनी आसानी से टायर बैठ चुका है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।